दोस्तों, आज हम स्टामेकर के एक ऐसे ऑफिशियल के बारे में आपको बताने वाले हैं जो कि आपको वी टैग दिलवाएगा। जी हाँ दोस्तों, एकदम फ्री में वी टैग देगा और इसी से रिलेटेड हम आज सारी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखना। एक भाई ने, यहाँ पे इनका भावेश नाम है, इन्होंने मुझे मैसेज किया था मेरे ग्रुप में और यहाँ पे इन्होंने लिखा था कि आप मुझे सर फॉलो करिए, मुझे जो है एक इम्पॉर्टेंट आपसे बात करनी है। तो मैंने इनको स्टामेकर पे फॉलो कर लिया और यहाँ पे मैंने लिखा भी। तो इन्होंने लिखा है, थैंक्स सर जी फॉर फॉलो मी, और यहाँ पे जो है स्टार मेकर आशीष करके एक आईडी है, वो मुझे ऑरेंज वी टैग के बारे में बोल रही है और मेरा फ़ोन नंबर मांग रही है। जहाँ तक मुझे पता है फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं होती है वी टैग के लिए, सोचा आपसे पूछ लूँ। अब यहाँ पे इन्होंने मुझे एक एसएस भी प्रोवाइड करवाया है, आप लोग ये एसएस जो है देख लीजिए गाइस। यहाँ पे देख लीजिए, स्टार मेकर आशीष के नाम से इनको मैसेज आता है आईडी से, आपको वेरीफाइड सिंगर का ऑरेंज वी टैग चाहिए तो बताइए परमानेंट। इन्होंने लिखा जी हाँ, लेकिन प्रोसेस क्या है। तो इन्होंने कहा है, आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए, अप्रूवल आएगा सर वी टैग के लिए। इन्होंने कहा, लेकिन मैंने सुना है कि भाई ऑरेंज टैग डायरेक्ट एसएम से आता है, उसमें कोई फ़ोन नंबर वेरीफाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा वेरिफिकेशन के लिए होता है सर। इन्होंने फिर लिखा है कि सर मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आजकल के हिसाब से जिस हिसाब से आईडी हैक हो रही है तो भरोसा नहीं रहता। इन्होंने लिखा है, ट्रस्ट मी सर, आपका काम जो है ऑफिशियली होगा, इसमें आईडी से रिलेटेड कोई भी काम नहीं है, बस टैग का प्रोसेस होगा ओनली, बस कंफर्मेशन के बाद आपको टैग आपकी आईडी पे शो हो जाएगा। अब भाई ने क्या किया, भाई ने मुझे फॉलो करके रखा था और मैं ऐसे ही अवेयर करता रहता हूँ उन लोगों को, तो भाई ने मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझे पहले मैसेज किया और ये काम मुझे इनका बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से भी मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको कोई ऐसा मैसेज आए तो एक बार आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर लें कि भाई ये सही है गलत। देख सकते हैं यहाँ पे गाइस, स्टार मेकर आशीष के नाम से ये आईडी है, यहाँ पे कोई ऑफिशियल का टैग भी नहीं लगा हुआ, आप लोग देख सकते हैं कहीं भी ऑफिशियल का टैग यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, फिर भी लोग पता नहीं क्या देख के भरोसा कर लेते हैं और ऐसे फ्रॉडेस्टर के जाल में फंस जाते हैं। अभी इनसे मैंने जो लाइव चैट किया है इन्हीं फ्रॉडेस्टर से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे लाइव चैट में मैंने कैसे किया, किस ट्रिक से किया, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो इन्होंने लिखा है, सर ये चैट उसकी आईडी है, आपका यूट्यूब चैनल मैं 2 साल से देख रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी आपको फॉलो किया है, आप हमेशा सच्ची बात बोलते हैं, औरों पे भरोसा नहीं है, आप प्लीज़ बताइए कि फ़ोन नंबर देना चाहिए कि नहीं और ये ऑफिशियल आईडी है या नहीं, वो भी डाउटफुल लग रहा है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि भाई जिस पे भी ऑफिशियल का टैग नहीं है वो ऑफिशियल आईडी नहीं है, ये एकदम श्योर है, इसमें कोई डाउट करने की बात है ही नहीं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई टैग देने के लिए आपसे नंबर पूछ रहा है तो भाई कौन सा ऐसा नया क्राइटेरिया आ गया कि आपका नंबर मांगा जा रहा है, जबकि जो भी ऑफिशियल वी टैग लेने के जो तरीके हैं वो मैंने आपको यूट्यूब पर बता ही दिए हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा तरीका आ गया जिसमें आपका पासवर्ड मांगा जा रहा है, नंबर मांगा जा रहा है? तो आप लोग जब यहाँ पे गलती करते हैं तभी आपकी आईडी जो है हैक हो जाती है। तो इन्होंने लिखा है, सॉरी सर आपको डिस्टर्ब करने के लिए, बट मेरे पास चॉइस नहीं है, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है और बोला है प्लीज़ डू फेवर। तो मैंने इनको लिख दिया है कि ये फ्रॉड है, लेकिन सुनो इसे अभी मत बोलो कि तुम फ्रॉड हो, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने एक फ्रेंड का नंबर दे दिया इनको, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना नंबर रिवील करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर मेरा नंबर रिवील होगा तो काफ़ी लोग मैसेज करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने एक फ्रेंड का नंबर लिया, अपना एक WhatsApp का क्लोन बनाया अपने फ़ोन में और उसी नंबर से WhatsApp को लॉगिन किया और उसके बाद में इनसे मैंने चैट करना स्टार्ट कर दिया इन्हीं फ्रॉड से, ठीक है। अब यहाँ पे इनसे मैंने कल जो है चैट किया, कल जो है गाइज यहाँ पे जो हमारा चैट्स था, कल वाला चैट्स वो डिलीट हो गया क्योंकि ऑटोमेटिक 24 आवर्स में डिलीटेशन वाला मेरे में जो है फीचर मैंने WhatsApp पे एनेबल करके रखा था। तो यहाँ पे गाइज जो मैंने आज चैट किया वो मैं आपको दिखाऊंगा। कल का जो चैट था वो क्या हुआ कि कल जो है इन्होंने मुझसे जो चैट किया था तो इसमें इन्होंने पहले बोला कि आप अपना ईमेल दो, आपके ईमेल पे एक मैसेज आएगा। इन्होंने मेरे नंबर पे मैसेज भेजा तो मैंने कहा कि जो है इस नंबर पे मेरा रिचार्ज नहीं है। फिर इन्होंने कहा ठीक है ईमेल पे भेज रहा हूँ, एक कोड आएगा। बार बार ये मेरे फेसबुक का कोड जो है भेज रहे थे ताकि जो है फेसबुक आईडी को हैक किया जा सके और उसके बाद भी फेसबुक से जितना भी अकाउंट इनका हो उसको हम ले सकें। तो चलिए आज का जो हम चैट इनसे किए हैं वो आपको दिखाते हैं, आपको बताएंगे कि क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है ऑफ जो ये हैकर्स होते हैं, मतलब जो सस्ते हैकर्स होते हैं वो कैसे हैक करते हैं। हालांकि इनको मैंने बहुत समझाया भी है कि भाई ये सब काम छोड़ दो, ये सारी चीज़ें गलत हैं, लेकिन अब जो है मेरे कहने से तो कोई ये काम छोड़ेगा नहीं, वो कर रहा है वो करेगा, बट आप लोगों को यहाँ पे जो है अवेयर होकर रहना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मैंने लिखा है सर टैग लेना था, आज का मैं बोल रहा हूँ कि मैंने रिचार्ज कर लिया अपने फ़ोन नंबर पे, अब मेरे फ़ोन नंबर पे जो है कोड आएगा तो मुझे टैग लेना था, यहाँ पे मैंने लिखा है गुड इवनिंग लिखा है। फिर इन्होंने लिखा है जी नंबर पे कोड आएगा, अप्रूवल कन्फर्म कीजिए। मैंने कहा ओके रिचार्ज अभी कर लिया है भेजिए। इसके बाद में गाइस इन्होंने भेजा मुझे, 8 डिजिट का कोड मेरे नंबर पे आया
और जो है मतलब मेरे फ्रेंड के नंबर पे आया, मैंने क्या किया उसको एडिट कर दिया तुरंत का तुरंत, और ऐसा एडिटिंग किया कि इनको बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ कि वो एडिटिंग है। यहाँ पे मैंने इनको रॉन्ग कोड भेजा, इन्होंने लिखा सर रॉन्ग है, आपको लेना है तो सच बोलिए। मैंने कहा यही आया सर, फिर इन्होंने लिखा सेंड यू अगेन चेक सर, वो नहीं लिया, जल्दी देखना आप चेक करो। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनको स्क्रीनशॉट भेजा था जो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। ओके वेट मैंने लिखा है, फिर लिखा मैंने अभी नहीं आया सर, फिर इन्होंने लिखा फिर से चेक करें, फिर मैंने कहा सर नहीं आया, फिर इन्होंने क्या लिखा है सर देन प्रॉब्लम है आपकी इस नंबर से लिंक नहीं है, बहुत बार मैंने ट्राई किया। मैंने कहा अच्छा बट मैं तो इसी से ओपन किया था सर, फिर इन्होंने लिखा आपके पास कोड रॉन्ग जा रहा है, ईमेल चेक करो एक बार। मैंने कहा मैं सर आपको नंबर और पासवर्ड दे दूँ, डायरेक्ट आप लॉगिन करके देख लीजिए। मैंने इसको ऐसे लिखा कि भाई जो है अगर मैं इसको नंबर या पासवर्ड का बोलता हूँ तो ये तो तुरंत बोलेगा भाई मुझे दे दो नंबर पासवर्ड, इसलिए मैंने बोला। लेकिन इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा शराफत यहाँ पे दिखाई, इन्होंने लिखा सर ऐसा नहीं है, SM पासवर्ड हम नहीं मांगते। ओके सर फिर कोई और तरीका नहीं है, वी टैग बस वेरिफिकेशन से ही मिलता है, बस कोड का था आपका नहीं जा रहा है। मैंने कहा सर एक बार आया था बट आप बोले रॉन्ग आ रहा है। फिर इन्होंने क्या लिखा है आप देखिए, नंबर एंड पासवर्ड दे दो ID डायरेक्ट, नंबर एंड पासवर्ड दो ID से डायरेक्ट आपका कर देता। मैंने कहा सर अब नहीं आ रहा है कोड। ठीक है, इन्होंने लिखा कोड आपका जा ही नहीं रहा है ऐसे आपका कर देता हूँ। मीन्स इन्होंने अब ये इन्होंने बोल दिया कि भाई आप नंबर और पासवर्ड आप दे दो, अभी तक इनके रूल में नहीं था, गाइडलाइंस में नहीं था कि मुझे नंबर पासवर्ड नहीं चाहिए, ऑफिशियल नहीं मांगते हैं। लेकिन इन्होंने तुरंत क्या बोला कि भाई नंबर और पासवर्ड दे दो मैं अभी कर दूंगा। ठीक है, वी टैग लेने के बाद में चेंज कर देना। ओके गिव, मैंने लिखा थैंक यू सो मच गिव सर, फिर मैंने नंबर बोला कि नंबर तो मेरा यही है, और इनको पासवर्ड जो मैंने लिखा है गाइज आप लोग देखिए यहाँ पे पासवर्ड क्या लिखा है, कितना ज़्यादा लंबा पासवर्ड है, आप लोग पढ़ के थक जाओगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप कितना ज़्यादा जो है बड़ा पासवर्ड इनको दे दिया मैंने, और लिखा है ये है सर। अब इनको तो लग गया भाई साहब को कि नंबर जो है ये पासवर्ड फेक बता रहा है, क्योंकि इतना बड़ा पासवर्ड कौन डालता है। इन्होंने लिखा सर आपको नहीं चाहिए, मैंने कहा सर यही पासवर्ड है सॉरी लॉन्ग है। फिर इन्होंने लिखा आई कैन अंडरस्टैंड, मैंने कहा बिकॉज हैकर्स हैक कर लेते हैं इसलिए मैंने लॉन्ग पासवर्ड रखा है। फिर उन्होंने लिखा लीव सर इट्स ओके, मैंने कहा सर प्लीज़ लॉगिन तो करिए। फिर उन्होंने लिखा है आपको नहीं चाहिए इट्स ओके, फिर मैंने लिखा सर मैं पेमेंट भी दे सकता हूँ अगर कुछ लगेगा। मैंने सोचा यार पेमेंट्स इसको बोलता हूँ, हो सकता है ये पेमेंट्स पे रेडी हो जाए, बट कर दीजिए सर। इन्होंने लिखा नहीं लीव, मैंने कहा सर आप कितने लोगों को टैग दिलवा दिए अभी तक। फिर इन्होंने लिखा सर आपको नहीं चाहिए था पहले बोलना था, आप गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दिए समझ नहीं आ रहा है। फिर इनको मैंने लिखा है सॉरी सर गलत इन्फॉर्मेशन तो आप भी दे रहे हो, अगर आप ऑफिशियल हो तो आपका टैग कहाँ है, और आप हैकर कभी बन भी नहीं सकते, तो इसलिए ये छोड़ दो हैकिंग करना, सीखो हैकिंग करना पहले। ठीक है, ऐसे हैकिंग नहीं होती है। फिर उन्होंने लिखा हाँ हाँ एक बात कहता हूँ, समझ तो पहले ही गया था जब तुमने उस दिन गलत कोड दिया था, तो मैंने भी मजाक कर लिया भाई तुम्हारा टाइम खा के, और हाँ बोल रहे हैकिंग नहीं कर सकता, बहुत ID हैक किया हूँ। देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा है बहुत ID हैक किया हूँ, मतलब क्या है कितने सारे लोग अभी भी SM पे बेवकूफ़ बन रहे हैं और ऐसे लोगों को अपनी ID पासवर्ड दे रहे हैं मेरी वीडियोस के बावजूद। फिर इन्होंने लिखा है SS देता हूँ, फिर इन्होंने मुझे कुछ ID का SS दिया है। ठीक है, मैंने इनको क्या लिखा है कि वो चूतिए होंगे सर जो आपको ID दे देते हैं, थोड़ा बहुत जानकार लोग भी आपको ID नहीं देंगे। फिर इन्होंने क्या किया मुझे बहुत सारी ID का SS भी दिया यहाँ पे, और बताया कि देख लीजिए यहाँ पे कुछ IDs जो मैंने हैक की हैं बड़े बड़े लेवल की। और गाइज मैं ये देख के हैरान रह गया, 55, 56, 57 लेवल की IDs इसने हैक की हैं, मतलब लिया है। ठीक है, फिर मैंने कहा आप मेरी एक लेवल की ID भी नहीं हैक कर सकते, मैंने इनको लिखा है तो मैं स्टार मेकर छोड़ दूंगा। फिर इन्होंने लिखा ना जाने कितना है, फिर इन्होंने लिखा बच्चे एक नहीं फंसे तो क्या हुआ, बहुत लोग हैं SM बहुत बड़ा है सर। ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब है कि किसी ना किसी को तो मैं ऐसे बेवकूफ़ बनाता ही रहता हूँ, बना ही लूँगा। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अच्छा सर ये कि ये एक बात ये बताइए, एज अ फ्रेंड पूछ रहा हूँ क्या करते हो ID का। इन्होंने क्या लिखा है किसी को बताना मत, मैंने कहा बताइए भाई ID हैक करके सेल कर देता हूँ, एक SS देता हूँ वेट। फिर इन्होंने मुझे बहुत सारे SS दिए जिसमें लोगों ने पेमेंट भी किया है, और यहाँ पे IDs ने जो सेल किया है वो सारी चीज़ें, मतलब अब इनका क्या मकसद होता है ID लेने के पीछे, ये पहली चीज़ ID आपसे ले लेंगे, फिर क्या करेंगे गाइज कि आपकी ID को वो सबसे पहले तो आपको 2-3 दिन 4 दिन आपको ब्लैकमेल करेंगे कि भाई इतने पैसे आप दे दो तो मैं ID वापस कर दूंगा, उसमें भी आपसे पैसे लेते रहेंगे, आपकी ID वापस नहीं करेंगे। लास्ट में क्या होगा कि ये ID किसी और के हाथ सेल कर देते हैं अच्छे अमाउंट में। अब आप समझ रहे हो कि भाई ID जो सेल कर देते हैं उसको ID मिल जाती है परमानेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब ये ID सेल करते हैं जो भी इनसे ID लेता है उसकी ID भी एक ना एक दिन ये उठा लेते हैं। मतलब क्या है कि जब भी वो ID किसी और को देंगे तो उसमें कोई ना कोई तरीका अपना जो है, चाहे फेसबुक या नंबर या कुछ ना कुछ उसमें अटैच्ड रखेंगे।
तो जैसे ही गाइज वो पैसे लेंगे तब तक कुछ दिन के लिए आईडी दे देंगे, फिर वो आईडी भी ये ले लेते हैं, मीन्स पैसे भी ले लिए और आईडी भी ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है आप सभी को, क्योंकि अगर आपकी आईडी बाय चांस हैक भी हो जाती है तो इनको कभी भी पैसे मत दीजिए। और जो भी ऐसी आईडी को खरीदता है, बाय करता है, वो भी करना गलत है, ठीक है, उसको बिल्कुल भी मत खरीदिए, नहीं तो आपके पैसे फंस जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई लीगल कंप्लेंट होता है तो जो आईडी खरीदेगा वो भी यहाँ पे बराबर का जिम्मेदार होगा, ये चीज़ आप बिल्कुल भी ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मकसद यही था ताकि आप लोग जो है इन हैकर से, ऐसे छोटे मोटे हैकर जो कि आईडी पासवर्ड लेके आपको जो है उल्लू बना के और आपकी आईडी ले लेते हैं, इनसे सावधान रहिए, केयरफुल रहिए। और जो है अगर कोई भी ऐसा मैसेज आते हैं तो ज़रूर मुझे जो है टैग करिए ताकि मैं आपको यहाँ पे रिस्पांस कर सकूँ। अगर मैं रिस्पांस नहीं भी करता हूँ तो भी आप ये समझ लीजिए कि स्टार मेकर का कोई भी वीटैग सेल नहीं करता है, चाहे वो ऑफिशियल हो या कोई भी हो, ना ही कोई जो है यहाँ पे क्वाइंस हैक कर सकता है, ना ही यहाँ पे कोई ट्रेजर हैक कर सकता है, ये सारे फ्रॉड लोग हैं, इनसे आप बिल्कुल सतर्क रहिए। तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।